कितनी है। तो आम तौर पे जो एरर की टाइप्स हैं वो थ्री हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, जिनमें नंबर वन है रैंडम एरर, इसका मैं नहीं होता बेकायदा, यानी जिसका कोई रूल कोई हिसाब किताब ना हो या समझ ना आ रही हो उसको रैंडम एरर का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सादा है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस, यानी अगर एक मैच हम कर रहे हैं और उसके अंदर बार बार गलती आ रही है तो ऐसी मैच जो है या ऐसी जो गलती है वो रैंडम एरर कहलाती है। इसकी काजेज वजूहात जो है वो अननोन है, यानी पता नहीं होता कि किस वजह से ये गलती पेश आ रही है। इसको कम करने का तरीका क्या है? रिड्यूस द एरर बाई रिपीटिंग द मेजरमेंट एंड टेकिंग एन एवरेज, यानी हम उस मेजरमेंट को कई दफ़ा रिपीट करते हैं और उसका एक एवरेज लेने से ये हमारी जो गलती है दूर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल पेंडोलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आप एक वाइब्रेशन का टाइम सही रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक वाइब्रेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो आपने स्टॉपवॉच को ऑन भी करना है, उसको ऑफ भी करना है, तो हर दफ़ा ऑन और ऑफ करने पर आपकी गलती होगी। इसलिए हम हमेशा ही जब इसकी रीडिंग लेते हैं तो कम से कम हम 10 वाइब्रेशन की रीडिंग नोट करते हैं या 20 वाइब्रेशन की करते हैं, जैसा कि आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल में देखा होगा। तो ऐसी सूरत में पहली रीडिंग में एरर आएगी या आखिरी में आएगी, जबकि जो दरमियान वाली 18 रीडिंग होंगी उनके अंदर कोई गलती नहीं होगी। इस तरह जो एवरेज आएगी उसमें गलती बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो जाती है। ऐसे जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें भी आप देखते हैं, जैसा कि वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा या सुग्रीव गेज का, तो उसमें हमेशा 3 दफ़ा आप मेजरमेंट करते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि रैंडम एरर जो है उसका इफेक्ट जो है वो कम कर दिया जाए। दूसरी टाइप जो है सिस्टमेटिक एरर है, बाकायदा जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी किसी रूल के तहत हो रही है, किसी खास तरीके से हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन सादा सी है कि सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूसेस इक्वल डिफरेंस इन रीडिंग, यानी इस रीडिंग के अंदर हर रीडिंग का फर्क एक जैसा आएगा। यानी इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर वन है अकर्स ड्यू टू जीरो एरर। पहली वजह इसकी क्या है? जीरो एरर की वजह से हो सकती है। जैसा कि हम वर्नियर कैलिपर के अंदर या सुप्रीम गेज की रीडिंग लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका जीरो एरर चेक करते हैं, तो अगर जीरो एरर उसमें मौजूद है तो जाहिर है वो जीरो एरर हर रीडिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा। इसको काम करने का तरीका क्या है? रिड्यूस्ड बाई जीरो करेक्शन, यानी जो जीरो एरर होती है वो हम काउंट कर लेते हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके असल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, इसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है या जीरो करेक्शन कहते हैं। और दूसरा तरीका कंपैरिजन, यानी जिस डिवाइस के अंदर ऐसा मसला आ रहा है तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी रीडिंग 100% ठीक है या बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम जो है सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं। जबकि मैंने शुरू में बताया था कि टाइप्स ऑफ एरर कुल 3 हैं, लेकिन यहाँ 2 का जिक्र है, तो तीसरी किस्म की जो एरर है उसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं, यानी वो इंसानी गलती या शख्सी गलती का नाम दिया जाता है, जो खुद उस अपने बंदे टॉपिक पढ़ा गया वो सिर्फ ना रिवाइज हो जाएगा बल्कि आपको बहुत सारे और कंसर्न मिल जाएंगे, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 1 माइक्रोमीटर किस के बराबर होता है। तो ये आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक जो है, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर परीफिक्स दिए गए हैं, अगर आप वहां से इनको तमाम को याद कर लें तो इस तरह के तमाम MCQ जो हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। नंबर 2 है एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजन आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन। नेग्लिजेंस की वजह से कौन सी एरर होती है, अभी आपने पढ़ा है तो उसका भी जवाब हम देते हैं। और तीसरा, यूज ऑफ आर्टिब्रेटस इंट्रोड्यूस एन एरर इज कॉल्ड आर्टिब्रेटस, की इस वजह से होती है। और रैंडम एरर कैन बी कुरेक्टेड बाई, रैंडम एरर को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और अगला है काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर। तो हम देखते हैं पहले सवाल का जवाब क्या है। तो आपके सामने जवाब आ चुका है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 10^-6 मीटर। यहाँ मैंने पावर ऊपर नहीं लगाई, उसके साथ ही लिखी हुई है, तो ये 10^-6 पढ़ा जाएगा। ये जितने भी यहाँ लिखे हैं इन सब में ये 10 की पावर काउंट होगी, तो इसको हम एक्सपोनेंट -6 मीटर भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा था दूसरा, एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजिंग आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, तो इसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन भी पीछे थी पर्सनल एरर क्या है।
तीसरा यूज ऑफ आर्टिब्रेटर्स इंट्रोड्यूसेस एन एरर इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे जो ऑपरेटर्स के अंदर नक्स की वजह से होती है सिस्टमेटिक एरर, जिसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है। और चौथा है रैंडम एरर। रैंडम एरर किस वजह से हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। रैंडम एरर कैन बी करेक्टेड बाई टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस, कई ऑब्जर्वेशन लेकर हम उसका एवरेज लेकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर, सिस्टमेटिक एरर की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो ये नोन होती हैं जैसा कि जीरो एरर होता है या जीरो करेक्शन वगैरह, तो उसकी